जिला कारागृह में बंद कैदी ने उठाया ये बड़ा कदम। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए चित्तौड़गढ़ की विशेष खबर। जिला कारागृह में बंद एक बंदी फिनाइल पीकर जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ और रात को मौका देकर हथकड़ी खोलकर भाग निकला, लेकिन पुलिस जाब्ते ने उसे कुछ ही घंटों में बस्ती थाना इलाके से दबोच लिया। इसकी फरारी को लेकर सदर थाने में रिपोर्ट दी गई है। आरोपी घर में घुसने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस संबंध में सदर थाने पर प्रकरण दर्ज कराते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सामने आया कि शनिवार देर रात करीब 11 बजे जिला चिकित्सालय में भर्ती एक बंदी बस्ती निवासी समीर पुत्र छोटू खां अपनी हथकड़ी खोलकर मौके से भाग निकला। उसे रविवार सुबह बस्ती पुलिस ने बस्ती कस्बे से पकड़ लिया। चोरी के आरोप में वारंट जारी होने के बाद जिला जेल में बंद चल रहे समीर खां शनिवार रात को फरारी के बाद अपने घर नहीं गया और सुबह भी बस्ती में घूम रहा था। वह अपने घर जाने के फिराक में था, तभी इसकी तलाश में जुटी बस्ती थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया गया है कि चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान यहां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक सिपाही पानी लेने गया था। सिपाही पानी लेकर आया तो देखा बेड पर कैदी गायब था। जहां चिकित्सालय में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि वह हॉस्पिटल से भाग चुका है। इसकी सूचना पर सदर थाना पुलिस ने आसपास नाकाबंदी की और बस्ती थाना पुलिस को भी सूचना दी। गार्ड प्रभारी सत्य प्रकाश ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया। पुलिस जांच में सामने आया कि समीर बस्ती का निवासी है। इसे 20 दिन पहले ही बस्ती पुलिस ने उसे पकड़कर चंदेरिया पुलिस को सौंप दिया था। समीर चंदेरिया थाने में ट्रक चोरी के मामले में 10 सालों से वांछित था। इस पर चंदेरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। जेल में ही उसने 5 मई को फिनाइल पी ली थी, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि समीर इसमें पीने का आदि है। इसकी अनुसंधान अधिकारी अमर सिंह, हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश, कांस्टेबल ओम प्रकाश, अनिल व पूनम चंद्र टीम ने इसे पुनः गिरफ्तार कर लिया। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।